स्वागत और ये है मेरी ऐसी टीम जिसने मुझे चैलेंज दिया है कि मुझे 24 घंटे रहना है इस सीमेंट मिक्सिंग मशीन के अंदर। और ये जो सीमेंट मिक्सिंग मशीन आप सभी को पता है ये काम आती है मसाला मिलाने के, यानी कि रोड़ी बजरी सीमेंट कुछ भी हो ये मिला करके तैयार कर देती है मकान बनाने के लिए। लेकिन इसमें बहुत थोड़ी सी जगह होती है गाय जिसमें सीमेंट मिलता है। और मैं इसके अंदर एक बार 10 मिनट के लिए घुसा था बहुत पहले, आपको वीडियो बहुत पसंद आई थी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब यह घूमती है तो भाई सख्त जो है चकराने लगता है। तो क्या मैं 24 घंटे इस मशीन के अंदर रह पाऊंगा या नहीं? अगर मैं रह पाया तो गाइस मैं इनको सजा दूंगा, और अगर ये रह पाए तो ये मुझे सजा देंगे। सजा आपको पता चलेगी इंट्रो के बाद में। दोस्तों पिछले चैलेंज में मुझे कोल्ड आइस बाथ लेना पड़ा था, यानी कि एकदम ठंडे चिल्ड पानी से नहाना पड़ा था क्योंकि मैं चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो है कोल्ड आइस बाथ चैलेंज ना लूं, बल्कि इन लोगों को जो है ठंडे ठंडे पानी से नहला दूं, और वो तब होगा जब मैं इसके अंदर 24 घंटे रह पाऊंगा। तो ये सजा है गाइस, इसके अंदर एक ही हम पोर है बहुत बड़ा, लगभग 1 फीट का ये निकला हुआ है। और तुम लोग सुन लो, इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं इस चैलेंज के अंदर। इस मशीन को ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं जब ये गोल गोल घूमने लग जाता है, लेकिन 24 घंटे में तुम सिर्फ 3 बार इसको स्टार्ट कर सकते हो, 3 से ज्यादा बार स्टार्ट नहीं कर सकते हो, और हर बार 1 मिनट के लिए। अच्छा। अरे ओए, अरे मैं चल जाऊंगा यार, ओए आराम चल जाऊंगा यार, आराम से जा रहे हो। सॉरी, ओए ओए पड़ जाऊंगा, ओए ओए गिर जाऊंगा, उन पकड़ ले, उन पकड़ ले, नहीं गिरेगा, वो नहीं गिरेगा। अरे 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 ओए टेढ़ा हो रहा है ये। अरे ना, मैं तो टेढ़ा हो गया। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मशीन के अंदर और मेरा जो चैलेंज है वो हो चुका है स्टार्ट, और मैं घूम के रहा हूँ। तो गाइस मैं इस सीमेंट मिक्सिंग मशीन के अंदर आ चुका हूँ और इसमें बैठने की कोशिश करते हैं। गाइस बहुत कम जगह है, ओह तेरी भाई बहुत कम जगह है, मैं इसमें कैसे घूम फिर के बैठा, और बीच में ये इसका एक हम्प और निकला हुआ है। यार गाइस इतनी कंजेस्टेड स्पेस में तो मैंने कभी भी कोई चैलेंज नहीं किया है, और मैं सफेद पैंट पहन के आया था। देखो गाइस क्या हाल हुआ है, और देखो भाई साहब इसमें मैं 24 घंटे कैसे रहूँगा। भाई मेरे पास पता है कितनी जगह है, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे ये बहुत मोटा सा हम्प निकला हुआ है, और इसमें तो आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक गाइस कोई 2.5 फीट जगह होगी, मैक्सिमम 2.75 फीट होगी, इससे ज़्यादा जगह नहीं है। और ये लोग ऊपर क्यों चढ़ रहा है, ऊपर 3 BHK है ये। अच्छा 3 BHK है ये, 0.001 BHK भी नहीं है भाई। और भाई इसके अंदर ना तो मैं मूवमेंट कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें मैं कर सकता हूँ तो सिर्फ एक चीज़, वो मैं बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे खड़ा ही रहना पड़ेगा। और ये लोग उंगली कर रहे हैं बार बार, देखो अब यहाँ से कर रहे हैं। बस हवा निकल गई। भाई साहब मैंने चैलेंज स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि मैं सीधा भी नहीं हो पा रहा यहाँ पे। ये जो हिस्सा है ना, ये ऐसे ऊपर की तरफ आ रखा है, और इसकी वजह से मैं ऐसे, मेरा सर भी आगे की तरफ झुक रखा है, मतलब मैं सहारा भी नहीं ले पा रहा है, ऐसे तो मेरी कमर में दर्द हो जाएगा। ये गड़बड़ है बाबा, मैं फिक्स हूँ यहाँ पे, मैं हिल नहीं सकता यहाँ पे। यार गड़बड़ हो गई, मुझे इनको ये कहना चाहिए था कि मुझे कोई गद्दा वगैरह या कुछ नीचे बिछाने के लिए कारपेट वारपेट दे देते ना। अरे चलाना मत भाई, ना कर ले लो भाई, ट्रैक्टर साफ कर दिया उन्होंने। अरे नहीं 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 नहीं, अरे अरे भाई मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। अरे भाई साहब डर लगा रहे यार, बस थोड़ा सा घुटे यहीं। अरे आराम से ले ले यार, यार इतने दच के लग रहे हैं, बस ठीक है अभी के लिए इतना ही काफी है। क्यों कर रहे हो तुम ये, बाहर आ जाओ। ओए क्यों चला रहे भाई, तुम उत्तेजनती अंदर ही है, ऐसे ऐसे करती है। अरे यार कुछ बिछाने का दे दो यार भाई। गाइस ये जो चैलेंज है ये बहुत ज्यादा बोरिंग मेरे लिए हो रहा है अभी, मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए, ना मुझे बाहर का कुछ भी दिखाई दे रहा है। तो जब आपको ना कुछ दिखता है ना कुछ होता है, तो वही हाल मेरा भी हो रखा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे लग रहा है मैं बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया। भाई कोई बात नहीं, मेरे पास गद्दा तो आ गया, अब मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा कंफर्टेबली बैठ पाऊंगा कम से कम। इसको बिछाना भी मेरे लिए आफत है, खड़ा होकर बिछा लेता हूँ इसको। क्या कर रहे हो, पानी ए, पर लग जाएगी यार, सर पे लग रही यार।
भाई ओए 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 भाई ओए बहुत तेज घूम रही है भाई, गोल गोल घूम रहा है। अरे मैं गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया। एक मिनट, अरे भाई बचा, ऐसा लग रहा मैं घूम रहा हूं अंदर अंदर भाई, ऐसी तैसी हो गई। गाइस अब अमित भाई को कराते हैं गांव की सैर। भाई इन लोगों ने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिया है और अब पूरी मशीन हिल रही है, पता नहीं मुझे कहां लेके जा रहे हैं। अरे हिल रही है ओए, अरे कहां चल रहे हो भाई, क्यों गोल भाई सेम गोल गोल घुमा रहे खेतों के अंदर यार। भाई मैं तो अंदर ही बैठ जाता हूँ यार, कौन परेशान होएगा, बाहर देख करके डर लगता है भाई, मैं तो बाहर अंदर ही आ गया, यहीं पे ठीक हूँ मैं तो यार। गाइस हमारा प्लान है अमित भाई को घुमाने का और साथ साथ अमित भाई परेशान हो जाएंगे, रिपीट कर देंगे, हमारा प्लान सक्सेसफुल, हम जीत गए। हे बबलू पूरे मजे लेके फुल फुल मजे। मशीन आ रही है पीछे, उसको देख के नहीं लग रहा कि उसके अंदर कोई इंसान है, जब वो इंसान बाहर निकलता है ना तभी दिखाई देता है। गाइस मेरे सर में दर्द हो गया है घूम के और इसमें हिल हिल के बहुत तेज, मेरे सर में दर्द होने लग गया इस हिस्से में और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ गाइस, दो घंटे में ही भाई हर आने जाने वाला मुझे देख रहा है कि ये कौन पागल है जो इस मशीन के अंदर खड़ा होके चल रहा है यार। भाई साहब हमारे एक आदमी एक अंदर गए, उनको लखवाना जी मैं बाजार के बीचों बीच खड़ा हूँ, शर्म से भरा हुआ गाइस, इससे डब्बे के अंदर देखो। और पानी पूरी के लिए तो ये लोग ले आए पानी पूरी, यहाँ पे देखो पूरा मेरे से नीचे है सब कुछ, इतना ऊपर लेवल पे हूँ मैं। लाओ जी लाओ, धन्यवाद भाई साहब, इसमें तो पानी नहीं है, देखो ये देखो ये देखो, एक बूंद ही नहीं है भाई। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये तो नहीं सोचा था सीमेंट मिक्सिंग मशीन के अंदर मेरे को पानी पूरी खाने को मिलेगी, इसका क्या करूंगा मैं ताऊ जी, खाओ इसको, इसका एहसान मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। चाय ले लो, चाय, चाय के साथ में डीजे की मस्त आवाज, इसके अंदर सुनती भी नहीं अच्छे से, और इसमें भी लौ रहा हूं इसको। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ गाइस, दोस्तों मुझे इस सीमेंट मिक्सिंग मशीन में 3 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है और ये लोग मुझे कहीं कहीं घुमा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने घुमाया मेरे को भाई। और अब पता है थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लगी जैसे शाम हो रही है, वैसे वैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाऊंगी मुझे कैसा दिख रहा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, बस ऐसा दिख रहा है, इधर पे ये दिखता है और बाहर देखूंगा तो ऐसा दिखता है। इस ट्रैक्टर चलता हुआ पीछे रोड है, अपनी दूसरी गाड़ी चल रही है, ऐसा मेरे को दिखता है, इसके अलावा मेरी दुनिया इससे बाहर है ही नहीं। और अभी भी ट्रैक्टर चल ही रहा है भाई, ये रोक ही नहीं रहे ट्रैक्टर को। बस बस दिन ढल चुका है, रात हो चुकी है और मैं अभी भी इस लोहे के छोटे से टुकड़े के अंदर बंद हूं भाई, क्योंकि और कुछ मैं कर भी नहीं सकता, जैसे कैसे यहाँ पर टाइम बिता रहा हूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हवा तो नहीं आती है, सिर्फ ऊपर ऊपर से आती है, ऊपर ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी मुझे ठंड लगने लगी और मैं शर्ट में हूँ और ये लोग मुझे कुछ भी ओढ़ने के लिए या कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ एक गद्दा, अगर इन्होंने नहीं दिया तो इसी को ओढ़ना पड़ेगा। अरे यार ओढ़ने के लिए दे दो। ये लोग जो है आग जला के बैठे और अब मुझे डर है कि ये रात को अब फिर से स्टार्ट ना कर दे, क्योंकि दिन में तो दिखता तो है, रात को तो देखो एकदम काला दिखता है, अगर मैं लाइट बंद कर लूँ तो कुछ भी नहीं दिखेगा भाई, एकदम अंधेरा हो जाता है, लेकिन लाइट से कुछ जरूर से दिखता है। अंदर जब बैठोगे तो ओए अरे यार ये कोई बात है क्या, ये मांगी अंदर जब आओगे ना तो तुमको एक तो यहाँ पर ये मिलेगा यार, कितना क्यूट है यार, इसका क्या करूँ मैं, मेरी इस पूरे चैलेंज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है। 8:01 PM तो गाइस अभी हो गया है खाने का टाइम, खाना देते हैं। अरे क्या कर रहे हो भाई, गाइस खाने के लिए दे दिया है लेकिन इतनी आसानी से नहीं खाने देंगे भाई, सारा कंट्रोल अपने हाथों में है,
तो अभी मशीन को घुमाएंगे। चार बार हमें मौका मिला था, एक बार घुमा चुके हैं, दूसरा नंबर है। बबलू भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक, कितना मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है गाइस। इन लोगों का काम हो चुका है, दो बार घुमा चुके हैं और ठीक है। एक चक्कर के बदले सैंडविच मिल गया, इन्होंने सोचा सैंडविच खाते खाते घुमाएंगे तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, इतना पागल थोड़ी हूं मैं। गुड नाइट। और गाइस इतनी मेहनत करते हैं क्यों करते हैं, ताकि आपको कुछ मजेदार दिखा सके, इसलिए आप लोग वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना भाई प्लीज। सब लोग जब से रिक्वेस्ट है सब लोग लाइक किया करो, इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई मैं। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ रजाई देने। भाई इतनी कम जगह है कि ये जो रजाई है ये आ ही नहीं पा रही है इसके अंदर, मैं क्या करूँ। अरे यार ये तो पूरी जगह तो यही रोक लेगी फिर। हाँ भाई मेरे पास रजाई तो आ चुकी है, लेकिन इस रजाई का साइज बहुत बड़ा है और इसमें जितनी जगह थी वो सारी की सारी तो इससे नहीं रोक ली है। ठंड में तो फायदा है लेकिन अब स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचा है। अरे यार ये बीच का खंबा है जो है ना, ये सारी गड़बड़ी कर रहा है। इस पूरे चैलेंज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाइस ये खंबा है ये वाला, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा यार। इतना दिक्कत आज तक नहीं आई भाई कभी भी किसी भी रजाई को ओढ़ने में। सर्दी लग रही थी ना, भाई पूरी जो मशीन है ना पूरी फुल भर चुकी है, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है हिलने। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा भाई, परेशान हो चुका हूँ यार मैं तो, इसमें इतनी मोटी रिजाई है। गाइस मैंने ये जो कवर है ये निकाल लिया रजाई का और अब मैं इसको लेके जाऊंगा अंदर, ठीक है। अब मैं रजाई से भी फ्री हूँ और ये भी कंबल की तरह है। इस लोहे के डब्बे में मुझे 10 घंटे हो चुके हैं गाइस और मुझे ही पता है मैंने कैसे टाइम निकाला है। अब आपको सब नॉर्मल दिख रहा होगा लेकिन ये देखो गाइस, ऐसे में इस कंजस्टेड सी जगह पे छोटी सी जगह पे जैसे कैसे अपना टाइम निकाल रहा हूँ। 10 घंटे हो गए, 14 घंटे और बाकी हैं, 2 घंटे और होने के बाद मेरा आधा टाइम कम्प्लीट हो जाएगा। गाइस पिछले चैलेंज में हमारे लिए उन्होंने नाचने की व्यवस्था करी थी, तो इस बार हमने बनाया अपना एक बैंड। Yes, खुद का स्टेज बैंड। 2000 years later. 1, 2, 3, 4. साहब को छोड़ो, अरे और भी साई है, अरे दूसरी साई पे जाना है। अरे तुमको क्या लगता है तुम्हारे इस सस्ते ड्रामे से मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे तो बड़े टाइम पास हो रहा है, बाहर आ जाऊंगा क्या मैं? बताओ यार कितना बढ़िया बजाए। अच्छा बहुत अच्छा बजाए, बहुत अच्छा बजाए। दोस्तों मैंने अपने टाइम का आधा हिस्सा यानी कि 12 घंटे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए
और ये लोग बैंड बाजा लेकर के आए थे, उससे मेरा थोड़ा टाइम पास हो गया और मैं थोड़ा थक भी गया। अब मुझे हो सकता है थोड़ी सी नींद आ जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। इस कैसे सोऊंगा मैं यार इसमें गाइस, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो ये चीज। भाई मैंने सोने की बहुत कोशिश करी लेकिन हाँ मुझे नींद नहीं आ रही गाइस, मैं क्या करूँ यार। The next day. Good morning guys. सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुका हूँ। और भाई यार कैसे इसके अंदर पड़ा हूँ यार, भाई मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ इसके अंदर रह के गाइस, बहुत ज़्यादा। और भाई आपको तो यही कहूँगा कि ऐसा चैलेंज वगैरह कुछ भी करने की गलती से भी मत करना यार, बड़ा पछताओगे भाई। दोस्तों अभी अभी पता है मैंने क्या नोटिस किया, ये देखो गाइस यहाँ पर ये है सस्ते बरातियों का सस्ता नोट, 100 कूपन का। और भाई मुझे यहाँ पर लगभग 20 घंटे हो चुके हैं और अब मेरे चेहरे पर धूप आने लग गई है, तो इस कोने में जाना पड़ेगा मुझे धूप से बचने के लिए। अभी अब अगर मुझे चाय मिल जाए ना भाई तो मजा आ जाएगा। चाय दे दो या कुछ तो दे दो। गाइस मेरे को चाय मिल चुकी है और बैठे बैठे मेरे पैर जो है उसमें दर्द होने लग गया, तो मैं अपने पैर सीधे कर रहा हूँ खड़े होके। अरे यार कुछ खाने के लिए तो दे दो। ओ भाई खाना कुछ तो दे दो यार। और जो भी सोच रहे हैं गाइस कि मैंने सुसु कैसे किया, इसके अंदर दो ऑप्शन है, खड़े हो सीधा कर लो या फिर बोतल में कर लो, तो मैंने दोनों तरीके इस्तेमाल किए हैं गाइस। और एक सवाल मेरा आप लोगों से और है कि मैं सोच रहा हूँ कि 24 आवर्स की जगह 48 आवर्स के चैलेंजेस किए जाएं क्या, उसका जवाब सब लोग कमेंट्स में दो, हम आपके फैसले से ही डिसाइड करेंगे कि क्या हमको 48 घंटों के चैलेंज भी करने चाहिए क्या, क्योंकि 24 घंटे के बहुत खतरनाक होते हैं, 48 वाले तभी करेंगे जब आप कहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो भाई जैसे मुझे उम्मीद थी कि ये लोग मुझे समोसे कचौरी में सुलटा देंगे, आज इन्होंने वैसा नहीं किया, आज कुछ अलग चीज़ मंगाई है जो कि है ये है गाइस दही बड़े, जिनमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और मेरा मन भी नहीं था समोसा समोसे खाने का भाई, इस छोटी जगह में वैसे पड़ा हूँ चाय पिए गरम गरम, तो अब इनमें आएगा मजा गाइस। इतनी खुशी है मुझे, 8 दही बड़े खा गया, इसमें 2 बचे हैं, वो भाई सच्चे में बहुत टेस्टी है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा इसको देख कर। देखो दोस्तों 22 घंटे से इस छोटी सी जगह में बैठा हूँ, अब मेरा चैलेंज 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। और भाई अब जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि मैं इसमें से कैसे भी निकल जाऊँ, क्योंकि कंजेस्टेड जगह है, इतनी सी जगह है और अब धूप आने लग गई है, ऊपर से भी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है और एक एक सेकंड मुझे जो है एक एक मिनट के बराबर लग रही है, टाइम ही नहीं निकल रहा टाइम, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से ख़त्म हो जाए चैलेंज आ रही। तो भाई हमारे ये भाई है सब्सक्राइबर है, ये मिलने आए और किसी से कॉल पर बात भी करवा रहे हैं, देखो चैलेंज के बीच में भाई आ गए थे यार, मिलना तो पड़ेगा। अरे भाई अच्छा, अरे यार अंकल नहीं हूँ यार मैं, भाई भाई बोल लो यार भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गाइस रात के प्रोग्राम के बाद हमारी हो गई बेइज्जती, तो अभी हमने प्रोफेशनल बैंड वाले बुलाए हैं भैया, जो कि जिनका काम है वही करेंगे, हम लोगों से हुआ नहीं, टूट गई थी आज फिर से, और हमारे दूल्हे राजा बिल्कुल तैयार हैं, चलो आ जाओ भाई, बैंड बाजा आ चुका। दोस्तों फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बैंड बाजा बज रहा भाई और मेरे को घुमा रहे हैं ये लोग, मेरा सर चकरा रहा बिल्कुल, घूम रहा है बहुत तेज।
तो मजा आ रहा था, मैं भी डांस कर रहा था। इसलिए बुलाया, रात को बोला था ना इतना बेसुरे बजा रहे हो। चलो बढ़िया, इसके चक्कर में तुमने एक घंटा खराब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल की गहराइयों से। हमने तो ये सोचा था कि बाहर आ जाओगे। गाइस मुझे लगता है लोग पागल हो चुके हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है और इनको डर लग रहा है कि मैं चैलेंज कंप्लीट कर लूंगा, इसलिए कुछ कुछ कर रहे हैं। भाई बैंड बाजे वाले बुलवा लिए, रात को भी यही कर रहे थे, दिन में तो असली वाले ही बुलवा लिए। गाइस अब आखिरी के 30 मिनट बचे हुए हैं मुझे इस चैलेंज में, और अब मुझे आदत सी पड़ गई है, मैं मतलब स्वीकार कर चुका हूं कि मेरी ज़िंदगी यही है, इसी में मुझे रहना है, तो उसी हिसाब से मैंने खुद को ढाल लिया है। पूरे शरीर में मेरे दर्द हो रहा है। भाई अब जो है सिर्फ 10 मिनट बचे हैं इस चैलेंज को ख़त्म होने में। गाइस अब मेरा इस जेल से निकलने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है और मैं इस चैलेंज को कम्प्लीट करने वाला हूँ, और उसके बाद इन सब की ऐसी तैसी करूंगा गाइस। और गाइस मेरा टाइम खत्म हो रहा है इन 3-2-1 खत्म। गाइस 24 घंटे हो चुके हैं मुझे इस सीमेंट मिक्सिंग मशीन के अंदर और मैंने चैलेंज कंप्लीट कर लिया गाइस। अब बजाओ बैंड बाजा। भाई मेरा पूरा शरीर अकड़ गया यार इसके अंदर, अब मैं बाहर आ सकता हूँ भाई। हाँ क्या बात है। अरे यार पूरा हो गया यार, तुम पानी लेके आओ अपने लिए। अरे पानी लेके आओ भाई, अपने लिए पानी लेके आओ। गाइस लगाता हूँ, जब ये रुकी तब मैंने रोका, पानी लेके आओ। गाइस चैलेंज कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और मेरी तो ऐसी तैसी हो ही चुकी है, लेकिन अब मैं करूंगा इनकी ऐसी तैसी। गाइस चलो पानी लेके आओ। गाइस चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, लाइक कर दो सब लोग। गाइस पिछली बार मेरे ऊपर गिरा था ठंडा ठंडा पानी, इस बार इनके ऊपर गिरेगा ठंडा ठंडा पानी। गाइस यहाँ पर जमूरे सारे खड़े हो चुके हैं, ये पहले ही पानी लगा रहा है खुद के ऊपर, क्यों लगा रहा है? बाद में ठंडा नहीं लगेगा ना, ठंडा लगेगा। यहाँ पर गाइस 4 बाल्टी तैयार है और 5 जमूरे तैयार है। आ जाओ गाइस, आ चुका है बहुत सारा मजा। और ये जो चैलेंज था भाई, मैं अभी बताऊं मेरे कमर में दर्द हो रही है अब तक, और इन लोगों के ऊपर गिरा भाई इतना ठंडा था पानी, बहुत ज्यादा ठंडा था। पानी डालते टाइम से नहीं लग रहा कमर। अरे यार मेरी लोअर बैक है ना अकड़ गई है एकदम, और मुझे लगता है 2-3 दिन दर्द होने वाला है मुझे। लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं है, इस मजे के सामने जो है वसूल है, और बाकी तब वसूल होगा जब आप इस वीडियो के लिए लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर ऐसे मजेदार चैलेंज और चाहिए तो नहीं